इसमें भी सांस नहीं लेना और हबीब अल्लाह में भी नहीं लेना। रसूल अल्लाह को भी एक बार एक सांस में मुकम्मल करना है, तो आखिर भी थोड़ा लंबा करेंगे तो हुस्न पैदा होगा। मिसाल के तौर पर सल्लल्लाहु अलैहि एक सांस में मुकम्मल। इन हबीब और अल्लाह इन दोनों को मिलाकर हबीब अल्लाह, हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु लंबा बनेगा। अभी आपकी एज है, थोड़ा सांस को लंबा रखो। अगर आपको समझना है कि सांस को लंबा कैसे करना है, एक दफा पढ़ोगे कोशिश करना कि दूसरी बार उससे लंबा सांस हो, कोशिश करना कि तीसरी बार उससे भी थोड़ा लंबा हो, ऐसे सांस लंबा होगा। और सुबह जब उठती हो ना उस वक्त ये कोशिश किया करो, तो उस वक्त ज्यादा कोशिश कामयाब होती है। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और
खा के जो पांचवा द्रुदे पाक है, सले है वो तो आप सबको मालूम ही है, वो तकरीबन सब ही पढ़ते हैं, उसकी तर्ज़े चेंज हो जाती हैं लेकिन अंदाज एक रहता है। इसे दुरूद अहले बैत कहा जाता है, क्या सब मिलकर मोहब्बत के साथ आराम से पढ़ेंगे ना तो और ज्यादा ज़ोक नसीब होगा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व बानी का वसल्लम वसल्ली अली।